हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी एबीसीडी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। क्या आप सीजीपीएससी प्रीलिम्स 2025 की तैयारी कर रहे हैं या फिर सीजी व्यापम द्वारा आयोजित भविष्य में आगामी जितने भी एग्जाम है उसकी तैयारी कर रहे हैं? तो मैं आप सभी के लिए सामान्य ज्ञान से संबंधित टॉप 100 वन लाइनर क्वेश्चन लाया हूँ, जिसका वीडियो नंबर 1 है। ठीक है, इसके बाद वीडियो नंबर 2 भी मैं लेकर आऊंगा, जिसमें उस वीडियो में भी हम 100 वन लाइनर देखेंगे और ये बहुत ज्यादा इजी होंगे, बहुत ज्यादा आसान होंगे। और चेक ये करना है कि क्या आप सब सारे जो वन लाइनर है उसको जानते हैं कि नहीं। अगर आप बिगिनर्स हैं तो ये वीडियो तो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा एकदम से जानने के लिए, और जो लोग पहले से तैयारी करते आ रहे हैं उनका एक टेस्ट की तरह हो जाएगा। फटाफट इसका आंसर देखेंगे कि क्या इसका आंसर क्या होगा, और जो लोग पहले से तैयारी करते आ रहे हैं वो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप कितना सही करते हैं इसमें, 100 में से आपका कितना सही होगा कमेंट करके बताइएगा। और जो लोग बिगिनर्स हैं अभी अभी शुरू किए हैं वो भी कमेंट कर सकते हैं कि उनका कितना सही हुआ, और नहीं सही हो रहा है तो इसको सही करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अगर चैनल में पहली बार आया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर भी जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, सबसे बेसिक बेसिक क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। तो सबसे पहले छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारियों से हम देखेंगे कि छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ था। कमेंट करके ऐसे बताने की भी जरूरत है, अगर आप चाहे तो कमेंट भी कर सकते हैं या फिर एक बार चेक करिए कि आपका कितना सही हो रहा है। तो बताइए छत्तीसगढ़ का गठन कब हुआ था, तो 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ था। राजधानी कहाँ है ये सब आप जानते होंगे, रायपुर मार देंगे, लेकिन नवा रायपुर भी अब इसको लिया जाता है। ठीक है, नवा रायपुर को अब हम अटल नगर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसका नाम जो अब क्या रख दिया गया है, अटल नगर। ठीक है, छत्तीसगढ़ की जनसंख्या कितनी है ये भी आप सभी को पता होना चाहिए, 2,55,45,198। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ का 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या है छत्तीसगढ़ का। ठीक है, देश की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत आबादी जो है छत्तीसगढ़ के अंदर निवास करता है, तो याद रखना है, कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार से, 2.116% पूरे देश की। और अगर जनसंख्या के अकॉर्डिंग अगर स्थान देखा जाए कि छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है, तो जनसंख्या के अकॉर्डिंग जो छत्तीसगढ़ का स्थान कौन सा है, 16वां है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का कुल एरिया कितना है, क्षेत्रफल कितना है ये भी पूछा जाता है, तो 1,35,191 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, उम्मीद है आप सभी का भी सही हो रहा होगा। आप एक बार जस्ट चेक करते जाएं कि जैसे ही मैं इसका क्वेश्चन पूछता हूं आप माइंड में सोच लीजिए कि क्या इसका आंसर ये है कि नहीं, और इसके बाद आप मैच करिए। ठीक है, और लास्ट में कॉमेंट जरूर करिएगा कितना सही होता है। इसका गठन का क्रम कौन सा है, मतलब कौन से नंबर का राज्य है इसका गठन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो। ठीक है, याद रखिएगा, ये गठन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो देश का 26वां राज्य कौन सा है, हमारा छत्तीसगढ़ था। ठीक है, मातृ राज्य मतलब किस राज्य से काट के बनाया गया है, तो मध्य प्रदेश से हमारे छत्तीसगढ़ का निर्माण किया गया 1 नवंबर 2000 को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए राज्य निर्माण कब हुआ है भाई, ठीक है, राज्य निर्माण कब इसका हुआ है? अच्छा, मैं ये पूछ लूं कि कौन से पंचवर्षीय योजना के तहत छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, 9वीं पंचवर्षीय योजना जो है उसी 9वीं पंचवर्षीय योजना में छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ है। 1997 से 2002 तक का है, आप सभी को पता होना चाहिए, 1997 से 2002 तक था 9वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, अच्छा, राज्य हेतु मतलब छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण के लिए कौन सा अधिनियम लाया गया था। ठीक है, तो यहां पे भी कई लोग गलत कर लेते हैं, लेकिन आपको मारना है मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000। ऑप्शन में अगर छत्तीसगढ़ पुनर्गठन अधिनियम लिखा होगा तो उसको भूल के भी मत मारिएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश का पुनर्गठन किया गया, छत्तीसगढ़ का पुनर्गठन तो नहीं किया गया था, इसीलिए एमपी या फिर मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 जो था यह अधिनियम है। छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, यह भी एक अच्छा प्रश्न है। जनसंख्या का कितना प्रतिशत था, तो हमने देखा था 2.11%, लेकिन क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है कुल देश का क्षेत्रफल का, तो याद रखिएगा 4.11%। छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल जो है मध्य प्रदेश के कुल कितने क्षेत्रफल से काट के बनाया गया था, आप ऐसे समझ सकते हैं कि मध्य प्रदेश का कितना प्रतिशत हिस्सा को काट के छत्तीसगढ़ बनाया गया था, तो 30.47%। राइट, क्षेत्रफल के आधार पर भारत संघ में स्थान कौन सा है, ठीक है, कौन से नंबर का आएगा अगर क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग देखा जाए, तो याद रखिएगा 9वां, जनसंख्या के अकॉर्डिंग 16वां और क्षेत्रफल के हिसाब से 16वां। क्षेत्रफल के हिसाब से पहला जो आप सभी को पता होगा राजस्थान, मैं पूरा नहीं बताऊंगा बस बता दे रहा हूं कि पहला कौन सा है, पहला है राजस्थान।
दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा उत्तर प्रदेश, पांचवा गुजरात, छठवां कर्नाटक, सातवां आंध्र प्रदेश, आठवां उड़ीसा और नौवां हमारा छत्तीसगढ़ है क्षेत्रफल के आधार पर। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा ये भी एक बार याद रखिएगा, इंडिया का क्या है, ठीक है, इंडिया का बताइए कि क्षेत्रफल, इंडिया का एरिया जो है पूरे विश्व का कितना प्रतिशत है, तो याद रखिएगा 2.43%। विश्व की कुल क्षेत्रफल का 2.43% जो क्षेत्रफल है भारत का है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ प्रतीक से संबंधित, ठीक है, राज्य का कुछ प्रतीक है उससे संबंधित हम क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं वन लाइनर। राज्य का स्थापना दिवस, ठीक है, राज्य का स्थापना दिवस कब है, कब स्थापना दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है, तो आप सभी को पता होगा 1 नवंबर, क्योंकि हमने शुरू में ही देखा कि 1 नवंबर 2000 को स्थापना हुआ था और स्थापना दिवस के रूप में 1 नवंबर को मनाया जाता है। राजकीय पक्षी क्या है, ठीक है, राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना, ठीक है, याद रखिएगा छत्तीसगढ़ का राजकीय पक्षी कौन सा है, पहाड़ी मैना। राजकीय पशु कौन सा है, तो याद रखिएगा वन भैंसा। ठीक है, इन सभी का वैज्ञानिक नाम भी पूछ लिया जाता है तो वो भी आप याद कर लेना। ठीक है, राजकीय वृक्ष कौन सा है छत्तीसगढ़ का, तो साल वृक्ष, साल वृक्ष छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष। राज्य का प्रतीक वाक्य क्या है भाई, राज्य का प्रतीक वाक्य क्या है, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, ये छत्तीसगढ़ का प्रतीक वाक्य। ठीक है, राज्य की आकृति कैसी है, ये भी पूछा जाता है कि, तो हिप्पोकैम्पस, समुद्री घोड़ा टाइप से, ठीक है, समुद्री घोड़ा, इंग्लिश में कहते हैं हिप्पोकैम्पस, हिप्पोकैम्पस, याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा राजकीय गीत कौन सा है छत्तीसगढ़ का, तो ये तो आप सभी को पता होना चाहिए, अरपा पैरी के धार, अरपा पैरी के धार, कमेंट करके बताना कि अरपा पैरी के धार ये जो गीत है राजकीय गीत, इसको लिखा किसने। छत्तीसगढ़ी राज्य भाषा दिवस कब मनाया जाता है, तो पहली बात तो छत्तीसगढ़ का भाषा कौन सा है भाई, राजकीय भाषा छत्तीसगढ़ी, सॉरी, अच्छा इसका पहले स्थापना दिवस देख लीजिए, छत्तीसगढ़ राज्य भाषा दिवस कब मनाया जाता है ये भी बताइएगा, तो 28 नवंबर को। ठीक है, कब, 28 नवंबर को मनाया जाता है प्रतिवर्ष राज्य भाषा दिवस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं प्रशासनिक जानकारी संबंधित कुछ वन लाइनर देखते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कुल कितने संभाग हैं, तो 5 संभाग हैं। ठीक है, कितने संभाग हैं, 5 संभाग हैं, मैं नाम नहीं लिख रहा हूँ लेकिन 5 है, आप सभी को पता भी होगा। कुल जिला कितने हैं वर्तमान में, 33 जिले, जिलों की संख्या 33, संभाग कितने, 5। अच्छा सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, क्षेत्रफल के आधार पर छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, बस्तर संभाग है, और इस बस्तर संभाग में कितने, 7 जिले वर्तमान में। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा जिला कौन सा है क्षेत्रफल के हिसाब से, तो सबसे छोटा जिला 33 जिलों के आधार पर 37 जिला। ठीक है, 33 जिलों के आधार पर। सबसे बड़ा जिला कौन सा है क्षेत्रफल के आधार पर, तो याद रखिएगा सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के आधार पर बीजापुर है। ठीक है, बीजापुर 33 जिलों के आधार पर मैं बोल रहा हूँ, 33 जिलों में अगर जाएंगे तो सबसे छोटा शक्ति, सबसे बड़ा बीजापुर। अच्छा सबसे बड़ा तहसील कौन सा, ये भी एग्जाम में कई बार से पूछा जाता है, तो सबसे बड़ा तहसील क्षेत्रफल के आधार पर कोरबा जिले का एक तहसील है पौड़ी उपरोड़ा। ठीक है, पौड़ी उपरोड़ा, और ये कौन से जिले में है, ये कोरबा जिले में एक तहसील है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ा विकास खंड कौन सा है क्षेत्रफल के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा विकास खंड कौन है, बिल्हा। ठीक है, सबसे बड़ा विकास खंड बिल्हा, ये कहाँ, बिलासपुर में आपको देखने को मिलेगा, दक्षिण बिल्हा और उत्तर बिल्हा के रूप में भी इसको बांटा जाता है। राज्यसभा की कितने सीटें हैं छत्तीसगढ़ के अंदर, तो ये सबको आपको पता होगा, 5 जो है राज्यसभा की सीटें हैं। लोकसभा की सीटें कितने हैं हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर, तो ये भी आप सभी को पता होगा, 11 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें एसटी के लिए 4। ठीक है, एसटी कैटेगरी के लिए 4, एससी के लिए हो गया 1। ठीक है, और अनरिजर्व मतलब अनारक्षित के लिए कितना हो गया, 4, 1, 5 और ये 6। ठीक है, ये पूरा तीनों डाटा भी आपको याद रखना चाहिए कि 11 लोकसभा की सीटें हैं जिसमें एसटी के लिए 4, एससी के लिए 1 और अनरिजर्व के लिए अनारक्षित के लिए 6। कुल सांसद कितने हैं छत्तीसगढ़ के अंदर, ठीक है बताइए कुल सांसद कितने हो गए, तो सांसद राज्यसभा के जो ये 5 सीट हो गया और लोकसभा के 11, तो 11 और 5 कितने हो गए, 16। छत्तीसगढ़ के अंदर कुल 16 सांसद होते हैं। विधानसभा की सीटें कितनी हैं, सभी को पता होना चाहिए, 90 कुल विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें एसटी कैटेगरी के लिए 29 है। ठीक है, एससी कैटेगरी के लिए 10 हो गया और जो अनरिजर्व है उसके लिए 51 हो गया। इस प्रकार छत्तीसगढ़ के अंदर विधानसभा की सीटें कितने हैं, टोटल 90। ये पूरा जानकारी आप सभी को पता होना चाहिए। अब चलिए कुछ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हम देखेंगे, कुछ प्रथम प्रशासनिक अधिकारी, क्योंकि वहाँ से भी प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। बताइए छत्तीसगढ़ का प्रथम राज्यपाल कौन था, तो याद रखिएगा श्री
दिनेश नंदन सहाय, शॉर्ट में मैं लिखता हूँ दिनेश नंदन सहाय, DN सहाय लिख देता हूँ। ये छत्तीसगढ़ के प्रथम राज्यपाल थे। छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री CM कौन थे? तो श्री अजीत जोगी जी, श्री अजीत जोगी ये छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री थे। प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन हुए? तो ये सबको आपको पता होना चाहिए। हमारे जो श्री TS सिंहदेव जो हैं, TS सिंहदेव ये हमारे छत्तीसगढ़ के प्रथम उप मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त हुए थे कांग्रेस की सरकार में, इससे पहले वाले सरकार में। प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे? ठीक है, प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे? तो याद रखिए श्री महेंद्र बहादुर सिंह ये हमारे छत्तीसगढ़ के प्रथम प्रोटेम स्पीकर थे। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? प्रथम विधानसभा अध्यक्ष तो श्री राजेंद्र प्रसाद शुक्ल। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद हमारे जो प्रेसिडेंट है उन वाले नहीं, लेकिन चलिए नाम सेम है तो याद रहेगा, श्री राजेंद्र प्रसाद शुक्ल। श्री राजेंद्र प्रसाद जो शुक्ल हैं ये छत्तीसगढ़ के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे। प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष कौन थे? तो श्री बनवारी लाल अग्रवाल, श्री बनवारी लाल अग्रवाल, बनवारी लाल अग्रवाल ये छत्तीसगढ़ के प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष थे। अच्छा, प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो ये थे श्री नंद कुमार पटेल, इंग्लिश में लिख देता हूं नंद कुमार पटेल, ये छत्तीसगढ़ के प्रथम गृह मंत्री थे। उम्मीद है ये सब आप सभी को याद होगा, नहीं होगा तो एक बार जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये सब ऐसे बेसिक से प्रश्न है जो अगर आप CGPSC के रियल एस्पिरेंट्स हैं ना तो आपको ये सब आना ही चाहिए। ठीक है, प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे छत्तीसगढ़ के? तो श्री सत्यनारायण शर्मा, श्री सत्य नारायण शर्मा ये छत्तीसगढ़ के प्रथम शिक्षा मंत्री थे, राइट। अच्छा, प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ये भी पूछा गया है, गई पहले बहुत पूछा जाता था, अब भी पूछा जाता है कभी कभार, ये छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो श्री W.A. शशांक ये छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। प्रथम कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ये भी याद रखिएगा, R.S. गर्ग, श्री R.S. गर्ग ये छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्य कार्यवाहक न्यायाधीश थे। ठीक है, प्रथम महाधिवक्ता कौन थे छत्तीसगढ़ के? ये भी पूछा जाता है तो याद रखिएगा, श्री रविंद्र श्रीवास्तव, श्री रविंद्र श्रीवास्तव ये छत्तीसगढ़ के प्रथम महाधिवक्ता थे। अच्छा, वर्तमान में कौन है कॉमेंट करके बताइएगा। ठीक है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ के महाधिवक्ता कौन है ये जरूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे छत्तीसगढ़ के? प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो श्री अजय कुमार सिंह। ठीक है, श्री अजय कुमार सिंह ये छत्तीसगढ़ के प्रथम निर्वाचन आयुक्त थे। प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? तो श्री ए के विजय वर्गीय जो है ये छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त थे। प्रथम पुलिस महानिदेशक DGP कौन थे छत्तीसगढ़ के? तो श्री मोहन शुक्ल, याद रखिएगा SM शुक्ल, श्री मोहन शुक्ल, एम मतलब मोहन, याद रखिएगा। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि प्रथम मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन थे। प्रथम मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो श्री KM अग्रवाल, श्री KM अग्रवाल ये मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। प्रथम लोकायुक्त कौन थे भाई? तो ये श्री नारायण मूर्ति कृष्ण मुरारी अग्रवाल, श्री नारायण मूर्ति कृष्ण मुरारी अग्रवाल, कृष्ण मुरारी अग्रवाल, ये थोड़ा आप यहाँ पे ऐसे मुरारी अग्रवाल। ठीक है, श्री नारायण मूर्ति कृष्ण मुरारी अग्रवाल ये प्रथम लोकायुक्त थे। ठीक है, प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? तो श्री अरुण कुमार, श्री अरुण कुमार जो थे वो छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्य सचिव थे। प्रथम महिला आयोग के अध्यक्ष कौन थे ये भी याद रखिएगा? तो श्रीमती हेमवंत पोर्ते, श्रीमती हेमवंत पोर्ते। ठीक है, ये प्रथम महिला आयोग के अध्यक्ष थे। प्रथम महिला मंत्री कौन थी अविभाजित मध्य प्रदेश की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, प्रथम महिला मंत्री कौन थी? तो श्रीमती पद्मावती देवी, श्रीमती पद्मावती
देवी, ये अविभाजित मध्य प्रदेश में प्रथम महिला मंत्री थी। प्रथम महिला मंत्री छत्तीसगढ़ में कौन हुई? ठीक है, याद रखिएगा, तो श्रीमती गीता देवी सिंह। ठीक है, श्रीमती गीता देवी सिंह, श्रीमती गीता देवी सिंह, और ये महिला बाल एवं विकास मंत्रालय की मंत्री थी। प्रथम महिला सांसद कौन थी? आप सभी को पता होना चाहिए, मिनी माता। ठीक है, मिनी माता जो थी छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला सांसद थी। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक बार सांसद बनने का श्रेय किसको जाता है? तो स्वर्गीय विद्याचरण शुक्ल जी को जाता है, स्वर्गीय विद्याचरण शुक्ल जी को जाता है। और ये जो है टोटल 9 बार, ठीक है, 9 बार सांसद चुने गए थे। ठीक है, ये पूरा पूरा जानकारी जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, इसलिए याद जरूर रखिएगा। ठीक है, बताइए छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष, मतलब सीजीपीएससी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये भी थे श्री मोहन शुक्ल, श्री मोहन शुक्ल। ठीक है, चलिए, छत्तीसगढ़ गौ सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे बताइए? तो ये पवन दीवान। ठीक है, पवन दीवान ये छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष। छत्तीसगढ़ विद्युत नियामक आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे एस के मिश्र, एस के मिश्र जो थे छत्तीसगढ़ विद्युत नियामक आयोग के प्रथम अध्यक्ष। छत्तीसगढ़ प्रथम व्यक्ति कौन थे जो किसी राज्य के मुख्यमंत्री बने बताइए कौन थे? तो ये पंडित रविशंकर शुक्ल, पंडित रविशंकर शुक्ल कहाँ के बने होंगे भाई? तो पता होगा आप सभी को, ये बने होंगे एमपी के, अविभाजित मध्य प्रदेश के प्रथम जो मुख्यमंत्री कौन थे? श्री रविशंकर शुक्ल थे। छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यक्ति जो किसी राज्य के राज्यपाल बने थे वो कौन थे? तो वो थे ई राघवेंद्र राव, मध्य प्रदेश के। ठीक है, ई राघवेंद्र राव, ये बिलासपुर के थे और अविभाजित मध्य प्रदेश के पहले, मतलब छत्तीसगढ़ के प्रथम ऐसे व्यक्ति थे जो मध्य प्रदेश के राज्यपाल बने, मतलब किसी दूसरे राज्य के। छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यक्ति कौन थे जो मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष बने थे? ठीक है, बताइए। तो ये थे मथुरा प्रसाद दुबे, मथुरा प्रसाद दुबे, ये जो थे मध्य प्रदेश के पहले, मतलब छत्तीसगढ़ के प्रथम ऐसे व्यक्ति थे जो मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष बनाए गए थे, मथुरा प्रसाद दुबे। लास्ट है, मध्य प्रांत के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष बनने वाले कौन थे? मध्य प्रांत के पहले विधानसभा अध्यक्ष इसको बनाया गया, तो घनश्याम सिंह गुप्त। ठीक है, घनश्याम सिंह गुप्त। ठीक है, तो ये सभी के सभी जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे हम देखते हैं कि जैसे छत्तीसगढ़ के कुछ शासन के प्रमुख भवन हैं जिनका नाम किसी न किसी के नाम पे रखा गया है, तो नाम आप सभी को याद होना बहुत जरूरी है। चलिए, जो महानदी भवन जो है ये किसका नाम है? किस भवन को महानदी भवन के नाम से जाना जाता है? तो मंत्रालय एवं सचिवालय जो है ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मंत्रालय एवं सचिवालय, मंत्रालय एवं सचिवालय भवन, सचिवालय भवन ये कहाँ है भाई? ये रायपुर के अंदर है। ठीक है, मंत्रालय एवं सचिवालय भवन जो रायपुर के अंदर है उसी को महानदी भवन के नाम से जाना जाता है। अच्छा, इंद्रावती भवन किसको कहते हैं? तो संचालनालय जो है ना, जो संचालक का संचालनालय है, ठीक है, संचालनालय भवन, उसी को इंद्रावती भवन के नाम से जाना जाता है, और ये भी रायपुर के अंदर ही है, राइट। मिनी माता भवन किसको कहा जाता है भाई? तो विधानसभा भवन का नाम ही किसका नाम पे रखा गया है? विधानसभा भवन जो है रायपुर के अंदर, उसका नाम मिनी माता के नाम पे रखा गया है। करुणा किसका नाम है? किस भवन का नाम करुणा है? तो मुख्यमंत्री जो निवास है, सीएम आवास है, या सीएम निवास जो है, ठीक है, रायपुर के अंदर, ठीक है, उसको करुणा के नाम से जाना जाता है, सीएम निवास को, मुख्यमंत्री निवास को। संगवारी क्या है भाई? तो संगवारी जो है विधायकों का विश्राम गृह है। ठीक है, विधायकों का जो विश्राम गृह भवन है, ठीक है, विधायकों का जो विश्राम गृह है उसका नाम क्या है? संगवारी नाम रखा गया रायपुर के अंदर, रायपुर वाला जो विधायकों के लिए बनाया गया। पहुना क्या है बताइए? पहुना किसको? तो राज्य शासन का, राज्य शासन का, ये विधायकों का विश्राम गृह हो गया, और ये राज्य शासन का जो विश्राम गृह है, ठीक है, राज्य शासन का जो विश्राम गृह है रायपुर के अंदर, उसको पहुना के नाम से जाना जाता है। संजीवनी क्या है भाई? ये तो आप सभी को पता ही होगा, संजीवनी राज्य चिकित्सालय, ठीक है, राज्य चिकित्सालय जो है
उसका नाम क्या रखा गया है, राज्य चिकित्सालय जो रायपुर के अंदर है उसका नाम संजीवनी रखा गया, ठीक है। तो ये सब भवनों का नाम भी आपको पता होना चाहिए। जैसे संवेदना, संवेदना किसका नाम है भाई, तो याद रखिएगा ये विधानसभा का जो अध्यक्ष है, ठीक है, विधानसभा के जो अध्यक्ष होंगे, विधानसभा अध्यक्ष का जो निवास है रायपुर के अंदर, ठीक है, उसका नाम क्या है, संवेदना है, राइट, याद रखिएगा। सोना खान किस भवन का नाम है, तो खनिज भवन का, ठीक है, खनिज भवन जो रायपुर में है उसका नाम क्या रखा गया है, सोना खान रखा गया। मितानिन ये किसका नाम है, तो जिला पंचायत, जिला पंचायत जो रायपुर है, ठीक है, उसका नाम रखा गया है मितानिन। रामगिरी किसका नाम रखा गया है, तो पीएचई मुख्य अभियंता, पीएचई जो मुख्य इंजीनियर, चीफ इंजीनियर होगा, जो मुख्य अभियंता होंगे, ठीक है, कार्यालय जो होगा मुख्य अभियंता, पीएचई मुख्य कार्यालय अभियंता का जो भवन है रायपुर के अंदर उसको रामगिरी उसका नाम है, ठीक है। महात्मा गांधी भवन किसको रखा गया है, तो ये जो निगम मुख्यालय है, ठीक है, जो निगम हेडक्वार्टर है रायपुर के अंदर उसका नाम रखा गया है महात्मा गांधी भवन। अरण्य भवन, ठीक है, ये अरण्य भवन किसका नाम है, तो जो वन विभाग का है, ठीक है, वन विभाग का जो भवन है रायपुर के अंदर, ठीक है, उसका नाम अरण्य भवन रखा गया है, ठीक है। अरण्य का किसका ये समानार्थी शब्द है, जंगल का, वन का। रेणुका भवन किसका नाम है, तो रेणुका निगम प्रवेश द्वार, निगम प्रवेश द्वार जो है ना रायपुर का, उसको रेणुका भवन के नाम रखा गया। पुरखौती मुक्तांगन, ये तो आप सभी को पता होगा, छत्तीसगढ़ी संस्कृति कला पुरातत्व का संरक्षण और संवर्धन जो ऊपरवारा रायपुर के अंदर है, ऊपरवारा रायपुर के अंदर है, ठीक है। किस लिए बनाया गया है ये पुरखौती मुक्तांगन का, तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ संस्कृति और कला पुरातत्व का संरक्षण करने के लिए बनाया गया है। शिवनाथ भवन किसका नाम है, शिवनाथ भवन, तो ये जल संसाधन विभाग का जो कार्यालय है, ठीक है, जल संसाधन विभाग का जो कार्यालय है रायपुर के अंदर प्रमुख अभियंता का, उसका नाम शिवनाथ भवन रखा गया, ठीक है। तो ये सब हमने अभी देखा क्या, राज्य शासन के विभिन्न भवन जिनका किसी अन्य नाम से जाना जाता है, ये हमने देखा, ठीक है। अब देखिए, अब और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आने वाला है, छत्तीसगढ़ के प्रमुख प्रवर्तक और उनको किस उपाधि के नाम से जाना जाता है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। छत्तीसगढ़ के सहकारिता पुरुष किसको कहा जाता है, यहाँ पे कंफ्यूजन वाला होता है, इसलिए मैं यहाँ पे क्लियर कराऊंगा। छत्तीसगढ़ का सहकारिता पुरुष जो है राम गोपाल तिवारी जी को कहा जाता है, ठीक है, राम गोपाल तिवारी हो गए कौन, सहकारिता पुरुष, ठीक है। छत्तीसगढ़ में सहकारिता के जनक, देखिए थोड़ा सा लगे, सहकारिता पुरुष राम गोपाल तिवारी, सहकारिता का जनक बोल देगा तो ठाकुर प्यारे लाल सिंह, ये सहकारिता के जनक। दुर्ग जिले में सहकारिता के जनक किसको माना जाता है, तो ये है पंडित रत्नाकर झा, इनको जो है दुर्ग जिला के अंदर सहकारिता के जनक के रूप में जाना जाता है। रायपुर जिला में सहकारिता के जनक किसको माना जाता है, तो वामन राव लाखे जी को माना जाता है। अच्छा, छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता के जनक किसको माना जाता है, तो माधव राव सप्रे जी को छत्तीसगढ़ के अंदर पत्रकारिता के जनक के रूप में जाता है। छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे किसको कहा जाता है, तो हनुमान सिंह, पता है आप सभी को मंगलवार को हनुमान जी का पूजा होता है, तो ऐसे याद रखिएगा हनुमान सिंह मंगल पांडे छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का भगत सिंह किसको कहा जाता है, तो परसराम सोनी जी को छत्तीसगढ़ का भगत सिंह के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ का तात्या टोपे के नाम से किसको जाना जाता है, तो गुंडाधुर, ठीक है, जो गुंडाधुर है, ठीक है, उनको छत्तीसगढ़ का तात्या टोपे के नाम से भी जाना जाता है। भूमकाल आंदोलन आपने सुना होगा, उनके नेतृत्व करता गुंडाधुर, तात्या टोपे उन्हीं को कहा जाता है। छत्तीसगढ़ के गांधी किसको कहा जाता है, तो पंडित सुंदरलाल शर्मा, आई थिंक सभी को पता होगा, पंडित सुंदरलाल शर्मा जी को छत्तीसगढ़ का गांधी के रूप में जाना जाता है। बस्तर का गांधी किसको कहा जाता है, तो मनकुराम सोढ़ी जो है इनको बस्तर का गांधी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ की रानी लक्ष्मीबाई किसको कहा जाता है, तो राधाबाई, ठीक है, राधाबाई,
ये इनका छत्तीसगढ़ का जो स्वतंत्रता आंदोलन के समय इनका बहुत ये एक्टिव रहती थी। याद रखिएगा रायपुर से है, उन्हीं को छत्तीसगढ़ की रानी लक्ष्मीबाई के रूप में जाना जाता है। छत्तीसगढ़ के वाल्मीकि किसको कहा जाता है? तो गोपाल मिश्र को, कवि गोपाल मिश्र जो है उनको छत्तीसगढ़ के वाल्मीकि के रूप में जाना जाता है। छत्तीसगढ़ के पाणिनी कौन है? तो हीरालाल काव्योपाध्याय, हीरालाल काव्योपाध्याय इनको छत्तीसगढ़ के पाणिनी के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद कौन थे, प्रथम मर्टायर कौन थे? तो वीर नारायण सिंह, ठीक है, वीर नारायण सिंह ये छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद थे, ठीक है। 1857 की क्रांति के अंतिम शहीद किसको माना जाता है? तो सुरेंद्र साय, सुरेंद्र साय। अच्छा, मध्य प्रांत के विधान पुरुष किसको कहते हैं? तो घनश्याम सिंह गुप्त, घनश्याम सिंह गुप्त जी को मध्य प्रांत का विधान पुरुष कहा जाता है। याद रखिएगा मध्य प्रदेश के, ये मध्य प्रांत था, ठीक है, याद रखिएगा, मध्य प्रांत के विधान पुरुष घनश्याम सिंह गुप्त, मध्य प्रदेश के विधान पुरुष अगर बोलेगा तो मथुरा प्रसाद दुबे, ठीक है, मथुरा प्रसाद दुबे। अच्छा, ईसाई धर्म के प्रचारक कौन थे जो छत्तीसगढ़ आते? ईसाई धर्म का छत्तीसगढ़ में प्रथम प्रचारक कौन थे? तो फादर टी लोर, फादर टी लोर, याद रखिएगा। अच्छा, नाचा के जनक किसको कहा जाता है? छत्तीसगढ़ी में नाचा के जनक किसको कहा जाता है? तो दाऊ दुलार सिंह मंदरा जी, दुलार सिंह मंदरा जी इनको छत्तीसगढ़ में नाचा के जनक कहा जाता है। पंडवानी के गुरु, सॉरी पंडवानी के जनक किसको कहा जाता है? तो झाड़ू राम देवांगन, झाड़ू राम देवांगन जी को पंडवानी के जनक कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोक कला के उद्धारक, लोक कला के उद्धारक किसको कहा जाता है? तो दाऊ रामचंद्र देशमुख, दाऊ रामचंद्र देशमुख इनको छत्तीसगढ़ में लोक कला के उद्धारक के रूप में जाना जाता है। लोक कला के ये उद्धारक हैं, लोक कला के पुजारी अगर बोल दे तो महासिंह चंद्राकर, ठीक है, महासिंह चंद्राकर लोक कला के पुजारी। छत्तीसगढ़ की लता मंगेशकर किसको कहा जाता है? तो याद रखिए किस्मत बाई देवार को, किस्मत बाई देवार जी को छत्तीसगढ़ की लता मंगेशकर के रूप में जाना जाता है। छत्तीसगढ़ी भाषा की प्रथम महिला साहित्यकार कौन थी? याद रखिएगा निरुपमा शर्मा, निरुपमा शर्मा ये छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला साहित्यकार रही। छत्तीसगढ़ में सतनाम पंथ के प्रवर्तक कौन थे? तो संत गुरु घासीदास जी, संत गुरु घासी दास जी ये जो थे छत्तीसगढ़ में सतनाम पंथ के प्रवर्तक थे। और अंतिम आज का वीडियो के लिए, छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ के संस्थापक कौन थे? ये सतनाम पंथ और ये कबीर पंथ, तो संत चूड़ामणि, संत चूड़ामणि, ठीक है। इनको कई बार से मुक्तामणि भी कहा जाता है, मुक्तामणि या फिर धर्मदास, धर्मदास, ठीक है, सब उन्हीं का नाम था, याद रखिएगा। तो ये आज की इस वीडियो में हमने 100 वन लाइनर से एक्चुअली में ज़्यादा 102 103 है, तो ये 102 103 जो है आज के इसमें हम वन लाइनर देखे। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट और भी लेकर आऊँगा, ये आपके रिस्पांस के ऊपर जाएगा कि कितना व्यू जा रहा है, उसी के अकॉर्डिंग मैं सेकंड पार्ट लेके आऊँगा। ये सब ऐसे जो होते हैं ना, क्योंकि इसके लिए आप अलग से पर्टिकुलर टाइम नहीं दे सकते कि इसको हम याद करें, तो ये चलते फिरते घूमते कहीं भी इसको आप एक बार ऑडियो लगा लीजिएगा, दुगना स्पीड कर ले, फटाक से आप रिवीजन करके आगे बढ़ जाइए। इसको अलग से 2-4 घंटा क्यों देंगे भाई, तो ऐसे जब कभी टाइम पास कर रहे हो, पढ़ के बोर हो गए तो कुछ देख ले काम का चीज़, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये सब वीडियो जो आप देख के रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊँगा, आपके रिस्पॉन्स के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। चैनल में नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर ले, दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।